टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जैस्मिन बसिन का कॉर्नियल डैमेज हो गया है। जैस्मिन बसिन दिल्ली पहुंची थी एक इवेंट अटेंड करने के लिए, जब उन्होंने रेडी होते टाइम कुछ कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज किए। उनके लेंसेज के साथ कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनके कॉर्निया डैमेज हो गए। जब जैस्मिन ने लेंस लगवाए तो उस वक्त उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ और ग्रेजुअली उनका पेन बढ़ता गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वर्क कमिटमेंट्स को प्रायोरिटी देते हुए सनग्लासेस लगाकर जैसे तैसे अपना पूरा इवेंट कंप्लीट किया। और जो प्रायर कमिटमेंट्स थे उनको कंप्लीट करने के बाद ही वो डॉक्टर के पास पहुंची लेट नाइट, और तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनका कॉर्नियल डैमेज हुआ है। जैस्मिन को इमीडिएटली बैंडेज करके ट्रीटमेंट दिया गया और अब एक्ट्रेस को रिकमेंड किया गया है कि वो 3-4 डेज तक रेस्ट करे और उसके बाद उनकी आईज ठीक हो जाएंगी। और वो ऐसे ही मुंबई वापस लौट आई हैं। यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू किया जाएगा और 4-5 डेज में शील फील बेटर। जैस्मिन ने सोशल मीडिया पर यह भी बताया कि उनका अब हेल्थ कैसा है। एक्ट्रेस ने एक पिक्चर शेयर की जहाँ उन्होंने सनग्लासेस लगाए और लिखा, बेटर नाउ एंड रिकवरिंग, थैंक यू फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। जैस्मिन ने इसके अलावा ये भी बताया था कि जब उन्हें ये प्रॉब्लम हुई थी तो उनसे सोया तक नहीं जा रहा था और कुछ दिनों में अब वो जल्दी से रिकवर करके अपने काम पर वापस आ जाएगी। हियर इज अ विशिंग अ स्पीडी रिकवरी टू जैस्मिन बसिन।